वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल एकेबी मोटो व्लॉग्स। आज सुबह का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है तो इसमें अप्रेला का कूलेंट निकल गया था, वो एक्चुअली उसका फ़ैन बंद हो गया था, तो उसका भी खर्चा बड़ा है, फ़ैन का भी खर्चा है और कूलेंट का भी है। आकाश कूलेंट डालता है 4000 वाला, कोई नाम बताया उसने, भूल गया। और ऊपर से यार फ़ैन का भी खर्चा है। वो कल इसीलिए इतनी हीट हो रही थी इसकी बाइक, वही मैं बोलूँ इतनी हीट क्यों हो रही है यार, जनरली इतनी हीट नहीं होती है बाइक। वो फैन बंद था इसलिए हीट हो रही थी और उसके बाद में फिर कूलेंट भी फ्लश आउट हो गया, डबल खर्चा, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम और बढ़ गई भाई। आज टंकी फुल है भाई, वैसे तो 15 लीटर की टंकी है और मैं कभी भी 13 से ऊपर नहीं डालता, मैक्सिमम 13, आज मैंने डाला है 11 लीटर ही डाला है तो अभी फुल दिख रहा है। 3 दिन का टेंशन नहीं भाई, 3 दिन में यार 11 लीटर पी जाएगी, वो भी इधर ही आसपास ही घूमते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते यार। तो कुछ राइडर्स पूछ रहे थे कि अपना एवरेज इसका मोस्टली 16 का मिल जाता है हाईवे पे, और ये जो अपना सिटी है सिटी के अंदर इसका एवरेज हार्डली 13-14 का पकड़ लो, 14 भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 13 ही पकड़ो क्योंकि ट्रैफिक ही ऐसे ट्रैफिक में चलते हैं हम लोग, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है, कम मिलता है फिर माइलेज अपने को और फिर थोड़ा हम लोग रेव भी करते हैं। भाई आज बॉस का ईमेल आया था, बॉस मतलब अपने यूट्यूब करता धरता यूट्यूब का ईमेल आया था जिसमें मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ, ईमेल तो हर महीने आता है लेकिन इस बार एक कुछ अलग ही ईमेल आया है, थोड़ी अपनी चैनल की तारीफ भी लिखी है और साथ में थोड़ा एक सजेशन भी दिया है, उस सजेशन की वजह से मैं आज शेयर कर रहा हूँ। तारीफ में काफ़ी कुछ है, वो तो अपना चैनल अच्छा चल रहा है और सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। अभी इसमें सबसे मेन पॉइंट ये हो गया है, सजेशन ये दिया है यूट्यूब ने कि जितने व्यूज़ आते हैं वो आ रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन आपके जो व्यूज़ के हिसाब से जो कन्वर्जन रेशियो रहता है सब्सक्राइबर्स का वो कम हो गया है 20% इस महीने, मतलब सितंबर। तो यूट्यूब ने लिखा है यू शुड मेक अ लिटिल रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इज एज इन प्रॉपर वर्ड यूज़ नहीं किया है, सो यूट्यूब हैज जस्ट ओनली रिकमेंडेड एंड सजेस्टेड जस्ट टू यू नो पुट फॉरवर्ड अ लिटिल रिक्वेस्ट वेयर पीपल कुड, द व्यूअर्स वर यू नो वॉचिंग माई चैनल कुड गो अ लिटिल अहेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो यही मैं रिक्वेस्ट आज कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो वॉच करते हैं चैनल, जो देखते हैं, व्यूअर इज़ वॉचिंग, तो प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा वो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें और वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें तो नोटिफिकेशन और सब्सक्रिप्शन दोनों हो जाएगा भाई, थोड़ा हमारा भी भला हो जाएगा। क्या है कि कर भला तो हो भला। अभी चैनल ने थोड़ा पिकअप ले लिया है, अच्छा भी लग रहा है, सब कुछ ठीक ही है। अरे पहली बार मैं ऐसे पब्लिकली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ व्लॉग में भी, सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ नोटिफिकेशन वगैरह के लिए। आज मैंने ईमेल पढ़ा सुबह सुबह, आज क्या फर्स्ट है ना, आज ईमेल आया है पिछले महीने का, सब क्या बोलते हैं एनालिसिस। एंड गाइस देयर इज अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन आई हैव टू गिव, द थिंग इज दैट आई हैव वर्क्ड विद अ फ्यू बीपीओस, क्वाइट अ फ्यू बीपीओस, तो इसकी वजह से मेरी इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी अलग एक्सेंट वाली है। सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि सर आपकी इंग्लिश थोड़ी अलग साउंड करती है, अलग
वर्ड्स अलग सेंटेंसेस एक अलग एक्सेंट में सुनाई देते हैं, तो इसकी वजह ये है। क्या यूके, यूएस, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ऐसे सब प्रोसेसेस में मैंने काम किया है पहले जब बीपीओ में था, तो उस वजह से ये इंग्लिश थोड़ी सी अलग है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ा है। वो क्या है, उतने सालों साल किया है काम, तो उस वजह से वो VNA ट्रेनिंग होती थी हमारी, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग। इस वजह से अपनी थोड़ी इंग्लिश एक्सेंट वाली आती है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। अरे बेसिक पॉइंट है कि अपना हिंदी में बनाते हैं अच्छा भी लगता है, ऐसा इशू नहीं है। देख रही थी पीछे, बाइक की साउंड और अच्छी आने लगी है अभी। लास्ट टाइम अपने मैकेनिक आए थे तो उन्होंने थोड़ा सा ट्यून भी किया और रिले चेंज किया, रिले कुड बी द रीज़न, आई डोंट नो, ट्यूनिंग की वजह से डेफिनेटली होता है, वो भी एक रीज़न हो सकती है, मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इस हफ्ते भी हम लोग संडे के लिए ट्राई कर रहे हैं अपनी लास्ट संडे जैसी एक हाईवे वाली राइड, बहुत मज़ा आया था उस दिन की राइड में यार, मुझे अपनी पिछली सब राइड्स याद आ रही थी, अच्छा लग रहा था बहुत। तो एक टाइम था जब मैं सनराइज सनसेट दोनों बाइक पे ही देखता हूँ जब भी राइड पे जाता हूँ, तो ये सब याद आ रहा है। क्या शूट वूट चल रही है क्या आज? इतना भी रैप नहीं याद है यार, इतना डर गई यार। शूट चल रही है, थर्टी जाती है अपनी, 125 तो गई है, देखा है मैंने, फर्स्ट पे 87, सेकंड पे 125, 130, थर्ड पे फिर मेरे ख्याल से किसी ने ब्लॉक डाला है उसमें देखा था मैंने, 170 भी खींचा है किसी ने। मैं इतना ज़्यादा खींचता नहीं फिर इसमें, फर्स्ट सेकंड पे थोड़ा खींच लेता हूँ, क्योंकि अपना फिर ज़्यादा ही ये होता है एकदम, तो हीट अप चालू हो जाता है। अभी देखो खींचा है तो टेम्परेचर 91 पे आ गया है, 96 तक फाइन है, उसके ऊपर गया तो हीटिंग चालू, एक्सरसाइज चालू हो गई है मेरी, दो दिन हुए कंटिन्यू रखनी है यार। तो एक्सरसाइज चालू की है तो मैंने फ्रूट्स खाना भी चालू किया है, पिछले तीन बीच में 4-5 मैंने फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाए, बिल्कुल बंद कर दिया था। आज शाम को आदिल को भी मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि आदिल ने भी संडे को ब्लॉग बनाया था, एक्चुअली हमने कैमरा हेलमेट्स एक्सचेंज कर लिए थे, मैं उसका हेलमेट पहन के चला रहा था, उसने अपना सेटअप लिया था हेलमेट वगैरह के साथ, उसने भी ब्लॉग बनाया थोड़ा, लेकिन हुआ ये कि अपनी माइक ख़राब हो गई थी, ये घर जाके बाद में समझा। माइक तब ख़राब हुई जब भी मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया था, मैंने और थोड़ा एक वॉक अराउंड भी लिया था सब बाइक्स का, बहुत सारी बाइक्स थी, लेकिन वो ब्लॉक ख़राब हो गया था तो वो बराबर ये नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वो डाला नहीं वो पार्ट, बाद में वो पार्ट मैंने थोड़ा एडिट करके इंस्टाग्राम पे डाला था, तो वहाँ पे है वो थोड़ा संडे वाले राइड का। और आदिल का फिर ब्लॉक में आवाज़ बहुत ख़राब आ रही, इसलिए आज थोड़ा वॉइस ओवर करके हम लोग और थोड़ा सा ये करके डालने वाले, कहीं कहीं आवाज़ ठीक है, और जब उसने माइक निकाल दी लास्ट में एंड में आने के टाइम पे, तभी भी आवाज़ अच्छी आई है, क्योंकि अपना क्या बोलते हैं, GoPro की माइक यूज़ हुई है, GoPro की इनबिल्ट माइक भी काफ़ी अच्छी है,
ये ब्लॉग में समझ गया मुझे, मतलब संडे का जो आदिल ने बनाया वो ब्लॉग काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही थी, माइक वगैरह निकाल दिया था। और मेरा एक फ्लाई बाय भी आ गया है उसमें डालता हूँ, देखता हूँ इंस्टाग्राम पे डालूंगा, क्योंकि 10 सेकंड का ही है, 9 या 10 सेकंड का ही कुछ है, ज़्यादा नहीं है। रास्ता कहाँ है, कहाँ से जाना है अपने को, तो यहाँ से जाना है। फैट बॉय लेके खड़ा है कोई तो कर लिया है, स्ट्रैप भी ठीक कर लिया है, माइक भी सही है, एक कवर और लिया है। रीज़न क्योंकि अपना जो भी हाईवे की राइड होने वाली है उसमें क्या विंड ब्लास्ट होता है बहुत, तो उसको थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, देखा है, कुछ ब्लॉगर्स ने डाला है कि एक माइक का एक कवर आता है ऑनलाइन, अमेजोन से ऑर्डर कर रहा हूँ। मैंने ट्राई किया अपने एरिया में, कहीं मिला नहीं मुझे, लोग ने भी यही बोला कि ऑनलाइन ही ऑर्डर करना रहेगा, तो आज कर दिया है। कुछ 350 का कुछ आ रहा है, अच्छा है वो, मेरे ख्याल से कल परसों सैटरडे तक आ जाना चाहिए, मतलब कल ही ऑर्डर किया था, रात को किया था, अभी देखते हैं अगर आ जाए अभी तो ये अपनी राइड के टाइम पे ही अच्छा हो जाएगा। फिर क्या विंड ब्लास्ट नहीं आएगा, बिल्कुल ही कम आएगा, एकदम ही 5% वगैरह कुछ, थोड़ा सा मामूली सा। मैं चाहता हूँ इस बार बराबर एकदम आवाज़ बिल्कुल ही बाहर की नहीं आए, अपनी जो है वही आए, तो फिर अच्छा है, मतलब बाइक की और अपनी आवाज़ जो हम बात करते हैं। अपने तो सुपर बाइक स्टार्ट किया है लेके चलाना 2015 से, इसको देखो ओ मैन बोल रहा है, ओ मैन वाओ